नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। नमस्कार सर। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। सबसे पहले मैं आपको और देश भर की बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रमणा जी, आपने जी 3 वर्ष की आयु से नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रैक्टिस शुरू की जी। आपने खुद को लगातार कैसे प्रेरित किया? क्या घर के लोग सुबह उठा उठा करके करवाते थे कि खुद के मन में कुछ इच्छा होती थी? जी सर, एक्चुअली मेरे मम्मा बहुत इंटरेस्टेड थे डांस में। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था डांस के बारे में, तो उन्होंने मेरे को सिखाया था और उनको इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा थोड़ा थिंग्स सिखाया था जो इंडियन क्लासिकल आर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सब वहां से मेरे को भी इंटरेस्ट आया कि मुझे भी सीखना है इंडियन कल्चर के बारे में, और इंडियन कल्चर में कितना रंग और उसका रिचनेस जो है वो मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। अच्छा, ये सीखने में काफी कठिनाई आई होगी, कई बड़ी मुश्किलें आई होगी, तो परिवार का सहयोग के बिना तो हो नहीं सकता है जी। तो कैसी कैसी कठिनाई आई है, कुछ बता सकती हो आप, कैसे रास्ते निकाले? जी सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पिताजी नहीं है, वो एक्सपायर कर गए हैं, तो उसके वजह से मामा को बहुत कठिनाई है, और प्लस हम लोग 2 बच्चे हैं, मैं और मेरे भैया, तो इन एजुकेशन फील्ड बहुत मुश्किल था, और बट फिर भी मामा ने कुछ ये बिना सोच के उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके उन्होंने मेरे को एक डांस क्लास में डाला और एजुकेशन दिया, और मेरे को डांस फील्ड में ये सब सोच के तो ऐसा नहीं होता है सर कि मुझे ऐसे ही बैठना है, मुझे भी एक है कि मेरे को भी मेरा मामा का नाम ऊंचा करना पड़ेगा और मेरे गुरुओं का नाम, तो इसलिए बहुत कठिनाई थी सर। देखिए, मैं पहले तो आपकी माताजी को प्रणाम करता हूँ। आप कितनी भाग्यवान है कि माँ ने अपने जीवन में जो संकट आया उस संकट के बीच भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए, और मुझे बताया गया कि तुम टूटे कांच पर कार्यक्रम करती हो, आग पर कार्यक्रम करती हो जी, ये सुनकर के ही डर लगता है, तुम्हें क्या लगता है? सर फर्स्ट तो मुझे बहुत डर लगा, बट बाद में मामा ने उससे उसको लेके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने नाचा उसके ऊपर, बाद में मेरे को ब्रेवरी दिया कि रमोना कुछ नहीं होगा जा बोल के, तो बाद में बहुत सालों लगा सर गांच के ऊपर जस्ट खड़े होने के लिए, बहुत गांच पीसेस पैर के अंदर गए हैं, बट फिर भी मुझे एक इंटरेस्ट भी था अंदर कि मुझे सीखना है बोल के। रमणा जी, आपकी उपलब्धियां आपकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है, और इसके लिए आपके साथ ही, जैसा मैंने कहा, आपकी माताजी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये हमारा प्रयास रहा है कि हमारे देश से, हमारा जो देश का सॉफ्ट पावर है उसकी अपनी एक अहमियत है, और उसकी जितनी शक्ति मिलेगी देश की शक्ति को प्रकट करने का एक रास्ता खोल देती है। इस सोच को आप जैसे युवा कलाकार पूरी तरह समर्पण भाव से, क्योंकि ये कला एक प्रकार की साधना है, एक तपस्या है जो आपने प्राप्त की है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इफ यू लाइक दिस वीडियो बेग लाइक माड़ी, कमेंट माड़ी, शेयर माड़ी, हागू योयो टीवी कन्नड़वन्नु सब्सक्राइब माड़ी।